स्वप्नक्ष मित्र मंडल द्वारा हर वर्ष सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष शिक्षण महर्षि प्रचार श्री अजय कौल सर और प्रशांत काशित सर के मार्गदर्शन में बाला अम्बेडकर व मंडल के लोगों ने इस बार कुछ अलग तरह से गणेश उत्सव मनाने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, मंडल इस बार सभी जाति धर्म की निमंत्रण पत्रिका जिस पर भगवान की तस्वीर हो या कोई भी कागज पर भगवान की तस्वीर हो उसे जमा करके उससे भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है। इस पावन काम का आगाज आज हुआ, जहां प्रमुख अतिथि माननीय श्री विश्वास शंकरवार मौजूद रहे। सारे जो गणेश उत्सव मंडल है उनको एक हमने निवेदन किया था कि आने वाले उत्सव में हम ज़्यादा से ज़्यादा शाडू की मूर्तियों का प्रयोग करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का किस तरह से हम कम वापर कर सके, इसका इस तरह का आह्वान हमने किया था। इस आह्वान के तहत इस स्वप्नाक्षय मित्र मंडल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर हमारे यहाँ पर जो इन्विटेशन कार्ड्स आते हैं सारे इन्विटेशन कार्ड्स के माध्यम से इस शाडू मूर्ति का निर्माण किया जाए और इसलिए काफ़ी सारे इनविटेशन कार्ड्स सारे रिलीजन के तरफ से इकट्ठा किए गए और इस इन कार्ड के माध्यम से आने वाले उत्सव में मूर्ति बनाने जाने वाले बहुत अच्छा उपक्रम है। इस उपक्रम का अनुकरण करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मैं सभी मंडलों को आह्वान करता हूँ कि इस अच्छे इनिशिएटिव को आप भी सपोर्ट करें और इस तरह से आने वाले उत्सव में पर्यावरण पूरक मूर्ति का निर्माण करें। सर, जी लोकवाडाला बॅकरोड या ठिकाणी गणपती विसर्जनाचे ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी पूर्ण वर्ष गाणीचं साम्राज्य असतं, तशी जी जागा आहे एखाद्या संस्थेला देखभालीसाठी देणं गरजेचं आहे का? या ठिकाणी आपण दरवर्षी चांगल्या प्रकारे इथे कृत्रिम तलावाची निर्मिती करतो बॅक रोडला आणि त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेने मागच्या वर्षी देखील चांगली सोय केली होती, तशीच किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक चांगली सोय आपण यावर्षी करू। तिथे आपले स्वयंसेवक असतील, मंडप असेल, पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम असेल आणि आरतीसाठी सगळ्या टेबल खुर्च्या सगळ्या यांची अरेंजमेंट करू आपण। बाला सर, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? अजय सर और प्रशांत सर से जिस तरह का सपोर्ट मिलता है इन दिनों, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये सपोर्ट और थोड़ा सा बताइए इस इनिशिएटिव के बारे में। ये जो संकल्पना थी वो बहुत अच्छी संकल्पना थी, जिससे लोगों को एक शिक्षा भी मिलती है, गणेश उत्सव मंडल वालों को भी शिक्षा मिलती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ रहती है वो नहीं होनी चाहिए। बाला आंबेडकर ये व्यक्ति ऐसे है कि ये समाज में जाने जाते हैं उनके काम की वजह से, और इतने सालों से जो आज वो इस मंडल को चला रहे, मैं तो छोटा था तब से देख रहा हूँ बाला भाई को, इस मंडल में अपने आप को सक्रिय कैसे उन्होंने किया। जब वो खुद गणपति विसर्जन के लिए जाते थे तो उन्होंने पहला ये उपक्रम किया कि हमें पीओपी की मूर्ति हटा के हमें पेपर की मूर्ति कर, क्योंकि जब वो देखते थे कि मूर्ति विसर्जन के लिए इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है वो, और मूर्ति मेल्ट नहीं होती है, और यहाँ के रहवासी होने के बाद और कॉरपोरेटर रह चुके और ऑपोजिशन लीडर रह चुके, तो उनको मुंबई की समस्या पता है। तो मुंबई की सबसे बड़ी समस्या कचरा है और उसका विलेवाट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब उनके सामने ये सब सवाल आते हैं तो उन्होंने इनिशिएटिव लोगों ने लेने से पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि मैं अपने से शुरू करूंगा,
और ये शुरुआत जो बाला आंबेडकर ने अपने स्वप्ना से मित्र मंडल सर्वधर्मीय जो गणेश की मूर्ति है यहाँ से शुरू की है, इसका संकल्पना बाला भाई ने अपने मंडल से चालू करके ये लोगों के लिए एक क्या बोलते हो एक ये दिया है कि मैसेज दिया है कि ये हर एक जन कर सकता है और ये बहुत अच्छा मैसेज है। बाला सर, जब आपने इनिशिएटिव के बारे में बताया प्रशांत सर और अजय सर को, क्या रिएक्शन था उनकी तरफ से, क्या उनकी तरफ से जिस तरह का सपोर्ट मिला है उसको लेकर भी अगर कुछ बताया? नहीं, अजय कौन सर, ये तो सब काम में अग्रत से रहते और उनने उनको भी मतलब दिमाग में था कि उनकी संकल्पना थी कि अपने को जो इन्विटेशन बाकी करते प्रशांत काटी सर हम लोग को बैठे थे सर ने बोला जो इन्विटेशन कार्ड जो रहते धार्मिक कार्ड रहते उसके सब भगवान के फोटो रहते चिन्ह रहते तो लोग बहुत सारे लोग को 10 मिनट में डालते तो वहाँ पे फुटबॉल जो रहते भगवान देवताओं के तो उनका कहा ना कहा था अवमान होता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए तो अपन लोगों को अवमान करें तो उनसे बात करने के बाद के हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेश गिरे हैं, अनिल राउत जी हैं, अशोक मोरे, संजीव कल्ले, इनसे हम लोग ने एक मीटिंग ली कि ऐसी ऐसी संकल्पना इसके बारे में हम सोचेंगे काम करेंगे। फिर हम लोग ने अजय कोल सर जी को मिले, प्रधान काजी सर को मिले, फिर बोले कि ऐसी अपन संकल्पना निर्माण करेंगे, महानगर पालिका को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और वहाँ से भी उनकी तरफ से भी हमको एक अलर्ट मिला। जब हम लोगों ने जिस टाइम पे इसका ओपनिंग किया था, उद्घाटन किया था अजय कोल सर, तब BMC के स्ट्रॉन्ग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और उससे हम लोग ने चालू किया, लोगों को आह्वान किया कि तुम यहाँ पे आके सब पत्रिका अपने पास जो रहते कार्ड रहते वो डाल के जाओ, लोगों ने भी प्रतिसाद दिया। फिर हमने मुंबई के मंडलों को भी आह्वान किया क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर था, मेरे को बहुत सारे मंडल पहचानते रहते थे तो उनको भी बोला कि ऐसी मूर्तियाँ बनाओ जिनको जिनके कारण पर्यावरण को धोखा नहीं पहुँचे। आज पर्यावरण को जो धोखा जो पहुँच रहा है, जब आप देख रहे हैं पोल्यूशन इतना हो रहा है, उसके बाद नदी बोलो, नाले बोलो, मीठी नदी बोलो, हमारी मुंबई शहर की प्रमुख नदी तो मीठी नदी है, फिर समुंदर किनारे जूह चौपाटी, वर्सोवा चौपाटी, यहाँ पे जहाँ POP की मूर्ति 18-18, 22-22 फुट जब जाती है गिरगा चौपाटी तो वो मेल्ट नहीं हुई तो उसकी कहा ना कहा परिवार को धोखा है। हमारे मच्छी मार पे भी जब कभी कभी अपनी नौका लेके जाते हैं तो उनको भी एब्स्ट्रक्शन होता है क्योंकि वो जल्दी मेल्ट नहीं होते। तो हम लोग ने सोचा कि ऐसी ऐसा सब मंडलों का आह्वान करें और एक अच्छी संकल्पना सर जी ने दी तो उसका अनुकरण होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग संकल्पना जो 8 महीने से कर रहे उसको लोगों ने दिया प्रतिभा। अगले भविष्य में आने वाले साल में और ज़्यादा लोग देंगे और सारे मंडल इसका अनुकरण करेंगे। ऐसे ही गणेश जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ये अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे कि हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच।